अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये बताइएगा कि अक्सर हमारी रूटीन होती है ईद वाले दिनों में कि हम गोश्त खाते हैं, और ये एक आम सी राय पाई जाती है कि गोश्त को हज़म करने के लिए आपके पास कोई भी जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक जो है या सोडा वाटर हम जिसे आम जुबान में कहते हैं कि वो होना चाहिए, वो हाजमे के लिए जो है वो बड़ा अच्छा होता है। तो क्या ये वाकई ऐसा है कि सोडा जो है वो हाजमे में मदद करता है? हमारे यहाँ बहुत रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं। हम ये कहते हैं कि जो जब हम गोश्त की इंटेक ज़्यादा करते हैं तो सोडा हमें बेहतर फील कराता है, स्पेशली स्प्राइट के आवाम बहुत शौकीन होती है। वो कहते हैं कि नहीं, ये स्प्राइट लेंगे, नमक डाल के बंटा बोतल टाइप काइंड ऑफ, ये हमारे यहाँ बड़ी कॉमन टर्मिनोलॉजी से इसमें इससे ये जो अगर हम साथ सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं तो दे आर नॉट गुड, बिकॉज सॉफ्ट ड्रिंक्स जो भी होंगे उस दे हैव ए लॉट ऑफ शुगर इन इट। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको एक मिसाल दूँ ना, जो आपकी रिसर्च कहती है कि जो 1.5 लीटर की एक बॉटल है उसके अंदर 90 टेबल स्पून शुगर होती है, सही, ठीक है। तो एक साइड पे अगर मैं बॉटल रखूं और एक साइड पे 90 टेबल स्पून शुगर रखूं तो आप किस साइड पे जाएंगे? आप भाग के बॉटल की साइड पे जाएंगे, बिकॉज उसके अंदर कार्बोनेटेड गैसेस भी हैं जो कि लाइट फील करा देती हैं, ठीक है। वही टेबल स्पून शुगर्स में अगर आपको कहूंगी ना तो आप मैक्सिमम 10 लेंगे और उसके बाद ज़िंदगी में आपकी शुगर खाने की क्रेविंग ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है कि जब आप इतनी हाई अमाउंट में शुगर इनटेक कर लेते हो बॉटल की फॉर्म में, सोडास की फॉर्म में, और साथ कार्बोनेशन भी होते हो, तो उसकी वजह से हमारे स्टमक की एसिड अल्कलाइनिटी बढ़ जाती है, पीएच रेज हो जाती है। जब हमारी पीएच रेज होगी तो उसकी वजह से हमारी जो प्रोटीन डाइजेशन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती। न्यूट्रिशनल पर्सपेक्टिव से देखें तो आप इसके बाद आप कह लें कि आप पाइनएप्पल कंज्यूम करें। पाइनएप्पल हैज़ ए वेरी गुड एंजाइम जिसको हम बोमलिन कहते हैं और वो प्रोटीन डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा पपाया जिसको हम पपीता कहते हैं, इसके अंदर एक एंजाइम होता है पापाइन के नाम से, वो भी प्रोटीन डाइजेशन में बहुत बेहतरीन हेल्प करता है। आप इन दोनों का जूस निकाल के भी कंज्यूम कर सकते हैं एज ए ड्रिंक के तौर पर ना, जो अगर आपको बेहतर फील हो रहा है। प्लस इसके साथ साथ आप फेनल सीड्स जिसको हम सौंफ कहते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी प्रोटीन डाइजेशन में बहुत इजीली हेल्प करती है और बंदे का इनटेक बेहतर होती है और लाइट फील करता है। कहवास, डिफरेंट तरह के हर्बल कहवास हैं जैसे कि दालचीनी, पुदीना, सौंफ, अदरक, जिंजर इज़ ए वेरी गुड वन। प्लस आप इसमें अगर थोड़ा सा लेमन स्क्वीज कर लेंगे तो दैट ऑल्सो कम्स। और ये जो मैं आपको सब बातें बता रही हूँ दे आर नॉट टोटका स्टफ, दीज आर ऑल जो है ना साइंटिफिक प्रूव थिंग्स। गोश्त तो हम खाते हैं कुर्बानी के दिनों में और मुसलसल खाते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि सुबह से लेकर शाम तक मेन्यू में सिर्फ गोश्त ही होता है। शक्ल चेंज हो जाती है कि बारबेक्यू कर लें या पुलाव खा लें या कुछ इस तरह से जो है कोरमा वगैरह बना लें। गोश्त के साथ जो है वो कोई सब्जी अगर ऐड कर ली जाए तो क्या वो ज़्यादा बेहतर है या सिर्फ अगर हम गोश्त ही खाएं तो वो भी ठीक है हमारे लिए? नहीं, डेफिनेटली सब्जी ऐड करने से आपका जो है, अगर हम सिंपल गोश्त कंजक्टिवली खाएंगे ना तो हमारी बॉडी के उस पर उसका मेजर इफेक्ट आता है, आपको कॉन्स्टिपेशन होना स्टार्ट हो जाती है आपकी। जब कॉन्स्टिपेशन आपको इंस्टेंटली स्टूल रिलीफली पास नहीं होता थोड़े टाइम के बाद, हाँ अगर आप बीच में सब्जियां ऐड करते हैं तो उसमें ये होता है कि सब्जियां हैज़ फाइबर इनटेक, फाइबर उसमें बहुत ज़्यादा है। अब जब आप फाइबर ज़्यादा वो आप साथ साथ फाइबर के स्टूल पास करते हैं तो आपके लिए स्टूल पास करना बहुत आसान हो जाता है। तो इस वजह से दैट इज़ मच बेटर कि आप बीच में वेजिटेबल्स भी ऐड करें, ओकेजनल करें, किसी टाइम वो कर लें, किसी टाइम वो कर लें, नॉट मच के आप एक टाइम पर एक ही चीज़ को लेके चलें।